एक्सक्यूज मी, आपके पास छुट्टा है क्या 100 रुपए का? ये तो मेरी तरफ आ रही है, कहीं कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? ओ गॉड, अगर इसने मुझे देखा होगा तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं ये कहूंगा कि करण के लिए आया हूं तो यकीन नहीं करेगी, उल्टा इसे शक हो सकता है कि करण की जेब में ड्रग्स मैंने ही डाले होंगे। यार ये लड़की नहीं आफत की बुढ़िया है, अब मैं कहां छुपूं, कहां जाऊं, कैसे बचाऊं अपने आप को? मैडम जी छुट्टा मिल गया। अरे वाह, अब कैसे मिल गया छुट्टा? हाँ सीधे उंगली से घी नहीं निकलता ना। ये लो आपके पैसे। टेंशन में हो मतलब क्या उल्लू बनाओगे मुझे? अच्छे से जानती हूँ आप जिस रिक्शा वाले को, बहुत चालू होता है, लेकिन इतना याद रखना मैं सबकी नानी हूँ, नानी। बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे पर ये चेंज लेने के चक्कर में लेट हो गई। चल सृष्टि चल। करण सर और ऋषभ जी का क्या हाल हो रहा होगा? पर आप तो अंदर गए भी नहीं, इनफैक्ट वो दोनों फंसे थे आग के अंदर। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हीरो वाला काम किया है दोनों ने, कैसी डेयरिंग दिखाई है, बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद गए दी को बचाने के लिए। सुपर हीरो माय स्टूपिड इनोसेंट बेवकूफ साले, बहुत करण सर कर दिया ना, अब जाके देख तेरे हीरो को कैसे जीरो बना दिया मैंने। और हाँ, ये तमाशा यहीं पर खत्म नहीं होगा, आगे आगे देख होता है क्या। अरे मैं किससे पूछूं, मेरी दी, एक्सक्यूज मी सर, मेरी दी कहाँ है? दी? अरे दी बोलूंगी तो आपको कैसे पता चलेगा, मेरा मतलब है करण लूथरा कहाँ है? आप कौन? मतलब करण लूथरा की आप कौन? मैं उनकी नंबर वन फैन लगती हूँ। अरे ओ शीलार जी साहब, जरा दरवाजे पे नजर रखना, ऐसे कोई भी घुसा चला आएगा क्या? मैं फैन हूँ, मैं ये हूँ, मैंने कहा था ना कि सिर्फ फैमिली मेंबर आ सकता है, अगर ऐसे ही फैन आते रहे ना तो यहाँ पे हवलदार कम फैन ज्यादा हो जाएंगे, और मुझे इस मौसम में फैन की जरूरत नहीं है, समझा? अरे ओ मैडम जरा देखो ना क्या प्रॉब्लम है इसका, बाहर का रास्ता दिखाओ इसको। आप चलो बाहर। अरे सर आप मेरी कोई बात तो सुन लीजिए, मैं अपनी जीजा से मिलने आई हूं। आप बाहर चलो, मैं अपनी जीजा से मिलने आई हूं। करण लूथरा, मेरी दी प्रीता, मैंने कहा था ना सर कि मैं फैन भी हूं और फैमिली भी, तो क्या आप मैं जा सकती हूँ करण लूथरा से मिलने प्लीज सर? गो। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट में मिल के आती हूँ। करण सर आप लॉकअप के पीछे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, और देखो ना दीका और औरों के क्या बुरा हाल हो गया है। ऋषभ जी अब क्या करेंगे, अब तो कमिश्नर ने भी, मैं वही सोच रहा हूँ प्रीता जी, लेकिन मुंबई जानना चाहता है करण लूथरा, आप ड्रग्स ले रहे हैं प्लीज बताइए। आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? आपको ये एक तरीका नहीं है, आप लोग पहले बाहर चलिए, पहले आप लोग बाहर चलिए। मीडिया को अपना काम करने दीजिए प्लीज। मिस्टर लूथरा प्लीज बताइए आपको ड्रग्स लेने की आदत कब से है प्लीज? कोई आदत नहीं है, आप लोग पहले बाहर चलिए। मिस्टर करण आप पब्लिक पे ड्रग्स लेके घूमते हो, आपको डर नहीं लगता? जी देखिए वो ड्रग्स मेरी नहीं थी, किसी ने मेरी पॉकेट में डाली, मुझे फंसाया जा रहा है। देखिए मिस्टर लूथरा, पकड़े जाने पर लोग यही कहते हैं, क्या आप ड्रग्स ले रहे हैं प्लीज बताइए मीडिया को। सर 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 हमें सच्चाई जानना है, क्या आप हर परफॉर्मेंस से पहले ड्रग्स लेते हैं? देखिए आप जबरदस्ती न्यूज क्रिएट मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, आप लोग लूथरा हम इस केस की सच्चाई जानना चाहते हैं। हाँ मिस्टर लूथरा, पूरा शहर इस केस की सच्चाई जानना चाहता है। मिस्टर ऋषभ प्लीज आप बीच में मत आइए। अरे यहां पर खड़े होकर क्या कर रहे हो यार, हटो।
जाइए आप। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है, करण लुथरा ड्रग्स के जुर्म में सलाखों के पीछे है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक नामी खानदान का बेटा एक खोटा सिक्का निकला है, तो आइए हम करण लुथरा से और बात करते हैं। करण लुथरा जी, प्लीज बताइए आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? मम्मी जी, आप ये जूस पी लीजिए, आपने लंच भी ठीक तरह से नहीं किया। अरे पुत्र, मैंने अच्छे से खाया है, तूने देखा नहीं। लो जी, झूठ बोलना अपने बेटे के जैसे सीख गए ना। तू गलत कह रही है, मैं महेश की तरह नहीं, महेश मेरी तरह झूठ बोलता है, आखिर एक ही खून है ना। मम्मी जी आप भी ना। देख पुत्र, अपनी बहू के साथ जाके टाइम बिता, भाई कुछ ही साल रह गए तू लेक्चर दे पाएगी, 20 साल बाद तो वो तुझे लेक्चर दे रही होगी और जबरदस्ती जूस पिला रही होगी तुझे। जैसे कि मैं आपको पिला रही हूँ। बिल्कुल। मम्मी जी, this is not right. भाभी, शर्लिन घर जा रही है, ड्राइवर फ्री है ना, वो इसे घर छोड़ देगा। जी दीदी, ड्राइवर फ्री है, वो शर्लिन को घर ड्रॉप कर देगा। शर्लिन पुत्र रुक जा, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। अरे सब हैरान क्यों है, जब इसने लूथरा परिवार को अपना लिया तो लगभग ये हमारी बहू हो गई ना, तो क्या मैं अपने पोते की बीवी को कुछ दे नहीं सकती? जरूर दूंगी। हाँ चल पुत्र, अलमारी से कुछ निकालना, आ जा। जी। आ जा। और ध्यान से, अभी अभी गिर के उठी है। जी मम्मी जी। आ जा। शर्लिन जी, अब जब माँ ने ठान ली है तो इनकार मत करना, जो भी देती है चुपचाप ले लेना। ओके ओके। एक्सक्यूज मी शर्लिन, मैं अभी आई, तुम यहीं रुको। जी हेलो बेबी, क्या चल रहा है? बेबी सब कुछ अमेजिंग चल रहा है यहाँ पर, तुम सोच भी नहीं सकती। और मजे की बात तो यह है कि इस बार हमने कुछ प्लानिंग भी नहीं की और बिना प्लानिंग की इतना बड़ा बोनस हमारे हाथ लग गया। चूड़ा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये लोग मेरी बातों का विश्वास भी कर लिए। इट्स जस्ट अमेजिंग। वेरी गुड बेबी, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, वेल डन। आवाज क्या आ रही है, कुछ हो रहा है क्या वहाँ पे? बेबी तुम सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम्हारे पृथ्वी ने यहाँ पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ा धमाका किया है, और अगर तुम्हें जानना है ना तो टीवी ऑन करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस पृथ्वी ने कैसे इन लूथरास की आन बान और शान को मिट्टी में मिला कर रख दिया है। और हाँ, सबसे पहले तुम लोक शक्ति न्यूज चैनल लगा दो। ओके, आई डू दैट, बाय। बड़ी खुश हो जाएगी शर्लिन मम्मी जी। मैंने ना इसके लिए खास रखा हुआ था ये सब। शर्लिन पुत्र इधर। मामी जी, नानी जी, प्लीज टीवी ऑन कीजिए। क्यों, क्या हुआ? मेरे फोन पे ना एक न्यूज अपडेट आया, आप प्लीज टीवी ऑन कीजिए ना। पुत्र टीवी तो बाद में भी देख सकती है, तो इतनी परेशान क्यों है, क्या बात हो गई? हा? मैं आपको सब बताती हूँ, आप प्लीज टीवी देखिए, प्लीज प्लीज। चल पुत्र देख, चल। ओ तो इसका मतलब है कृतिका को पता चल गया। अब सब कुछ सुनो और सब कुछ देखो, लूथरास के नाम पे कैसे कीचड़ उछल रहा है। संतोष आप लोग जाइए यहाँ से, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, आप लोग झूठ का साथ दे रहे हैं और ये सही नहीं है, आप लोग मेरे बेकसूर भाई के खिलाफ जबरदस्ती कर रहे हैं, आप लोग पता चलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप लोग जबरदस्ती न्यूज को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। कैमरा मीडिया सच्चाई जानना चाहिए सर, कैमरा प्लीज। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई क्या बात है, सब लोग टीवी से चिपके हुए हो, कोई खास प्रोग्राम आ रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ संतोष,
जी सर। हे एडो प्लीज बाहर चलिए, आप लोग बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए। अरे 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 आप देख सकते हैं कि ये खबर सुन के पूरा मुंबई शहर चौंक गया है कि करण लुथरा को ड्रग्स लेने के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। करण लुथरा ने गुनाह किया है और सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो उसका भाई ऋषभ लुथरा इतना शोर क्यों मचा रहा है, अपने आपे से बाहर क्यों हो रहा है, मीडिया के साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है? आप देख सकते हैं कि ये ऋषभ लुथरा मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहा है, कानून के सामने ही कानून को अपने हाथ में ले रहा है। ये है लुथरा परिवार, आप देख सकते हैं, ये करण लुथरा, ये उसका भाई हमारे मीडिया के ऊपर हाथ उठाया है। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। करण लुथरा, क्या आपने ड्रग्स लिया है? क्या आपकी पूरी फैमिली ड्रग्स लेती है? Nonsense. हमारा करण कभी ड्रग्स ले ही नहीं सकता। हे भगवान, ये फेक न्यूज़ है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। चुप, बंद कर उसे। कोई नहीं देखेगा इस न्यूज़ को, और इस बकवास पे यकीन करने की जरूरत नहीं। ऋषभ लुथरा ने मीडिया पे हाथ उठाया है। ये पुलिस क्या कर रही थी, इसका जवाब चाहिए। अब तुम दोनों भाई जेल में सड़ोगे, देखता हूं कौन निकालता है यहां से तुम दोनों को। ये मीडिया सब बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिए। हम लोग ऋषभ का वेट करेंगे, उसके आने का इंतजार करेंगे, तब तक शांत रहिए आप लोग। ये ऋषभ रिपोर्टर्स के साथ लड़ क्यों रहा है? इस तरह से लड़ाई झगड़ा हमारे लूथरा खानदान को शोभा नहीं देता। अरे पुलिस है ना, मीडिया को संभाल लेगी। ये सब जब हुआ तो ऋषभ ने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एक काम करती हूँ, ऋषभ को फोन लगा के पूछती हूँ। करीना फोन काटो, मैंने कहा ना फोन काटो। वहां ऑलरेडी इतना झमेला चल रहा है और तुम लोग की फोन करके बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्लीज। और आप लोग प्लीज शांत रहिए। ऋषभ है ना वहां, और उसे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? हाँ, उसके भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है, उसका गुस्सा करना जायज है, लेकिन वो समझदार है, वो संभाल लेगा। हम लोग उसका इंतजार करेंगे, और प्लीज आप लोग अब शांत हो जाइए और मुझे कुछ सोचने दीजिए। और आप प्लीज रोइए मत, राखी जी, या तो आप रो लीजिए या फिर कमरे में चले जाइए। आप क्या कर रहा हूं मैं? पहले तो भाई भाभी पे चिल्लाए और फिर उन्हें मनाने के लिए चले गए। अरे मैंने फोन लगाना चाहा तो इसमें कौन सा प्लांडर कर दिया? मैं तो सिर्फ ऋषभ से बात करना चाहती थी। जाने दीजिए ना आंटी, कभी कभी हो जाता है, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आपको ऋषभ जी से बात करनी थी तो इसमें क्या गलत है? आपको बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये महेश अंकल अचानक से गुस्सा हो गए और मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से उन्होंने आपसे बात की। आप इस घर के बड़े, इस घर का बुरा थोड़ी चाहेंगे, बट आई थिंक इट्स ओके। उनको थोड़ी देर में अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो आपके पास आ जाएंगे माफी मांगने, जिस तरीके से वो अभी गए अपनी वाइफ अमिर से राखी आंटी के पास, उसी तरीके से। वो उनकी वाइफ है तो क्या मैं कुछ नहीं लगती महेश की? सगी बहन हूँ, खून का रिश्ता है। सबके सामने मुझे इस तरह से डांट दिया और सॉरी तक नहीं कहा। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ना,
तो ये घर कितना खिला खिला था, हर एक इंसान एक दूसरे से कितना प्यार करता था, माहौल में हर जगह खुशियां ही खुशियां थी, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव परिवार था ये। और आज आज सब कुछ अचानक कैसे गायब हो गया ना। हर परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे से परेशान है, बीवी अपने पति से परेशान है और बहन अपने भाई से नाराज है। सुपर, जो मैंने और पुन्नु ने चाहा उसकी एक झलक तो मैंने देख ली, मजा आ गया। ये तो बस शुरुआत है, एक बार बहू बनकर इस घर में आ जाओ, फिर ये ताजमहल जैसे घर को अगर खंडर नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी शर्लिन खुराना नहीं। आप इधर आइए, आइए, प्लीज यहाँ बैठिए। राखी जी प्लीज शांत हो जाइए, आप ऐसे ऐसे हौसला हारेंगे तो कैसे चलेगा, धीरज रखिए सब ठीक हो जाएगा। महेश जी ऐसे कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा करण पुत्र गिरफ्तार हो गया है, वो भी झूठे इल्जाम में। ऐसे नहीं हो सकता, मेरा करण कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता जी। आप कुछ करते क्यों नहीं, उसे छुड़ा के ले आइए ना, घर पे ले आइए मेरे करण को प्लीज महेश जी प्लीज। आपने देखा ऋषभ भी मेरा कितना परेशान था, मीडिया वालों से सच बोलने की कोशिश कर रहा है, लड़ रहा है मीडिया वालों से। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए ना, सब ठीक हो जाएगा, आप देखिए मेरे तरफ हौसला रखिए। कैसे हौसला रखूं जब मेरा बेटा काल कोठरी में बंद है, तो कैसे हौसला रखूं, वो भी ड्रग्स के इल्जाम में, करण और ड्रग्स, नामुमकिन सी बात है, इन दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, मेरा करण पुत्र कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, ये पुलिस वाले क्यों नहीं समझते जी। हम समझाएंगे ना, प्लीज शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, हम जानते हैं ये पुलिस को गलतफहमी हुई है और मीडिया ने इस बात का बतंगड़ बनाया है, आप टेंशन मत लीजिए, आप देखना आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप सच कह रहे, मेरा करण जेल से छूट के आएगा ना वापस, मैंने बड़े नाजों से पाला है उसे, मेरा पुत्र बेचारा उस काल कोठरी में कैसे दिन बिता रहा होगा, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। महेश जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे करण को घर लेके आइए, मेरी नजरों के सामने लेके आइए। आपको क्या लगता है राखी जी, हम करण को वहाँ रहने देंगे? हाँ, पर ऋषभ गया ना उसे छुड़ाने के लिए। विश्वास रखिए आपका ऋषभ बहुत समझदार है, मैं मानता हूँ कि हमने देखा उसे टीवी पे गुस्से में, लेकिन वो इतना समझदार है कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा और वो पुलिस को और मीडिया को दोनों को संभाल लेगा। आप यकीन रखो आपके बच्चे आपके पास होंगे, यहीं पर होंगे थोड़ी देर के बाद, टेंशन मत लीजिए। पक्का ना? पक्का, प्रॉमिस। रीता जी आप जाकर मेरे लॉयर को इन्फॉर्म कीजिए कि हम लोग इस सिचुएशन में फंस गए, शायद वो हमें कुछ हेल्प करेगा। देख रहे क्या हुआ तेरे को, हंस क्यों रहा क्या हुआ तेरे को, वो ऐसे हंस रहा जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा है। तो हाँ कॉमेडी शो ही तो चल रहा है यार, मतलब पूरे शहर की मीडिया आके मुझसे भाईया सवाल पूछ रही है और तूने क्या धुनाई की उनकी यार, मतलब ये पकड़ा ये दिया। पहली बार मुझे लगा कि करण लूथर तेरे अंदर घुस गया यार, मतलब मेरा जोश मेरा गुस्सा मेरी पागलपंती सब तेरे अंदर आ गया था, क्या मारा यार तूने, वाह यार फैंटास्टिक यार। चुप चुप, किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती यार, लेकिन तू कुछ भी बोलना, ये सीन मेरे दिमाग पर अब छप चुका, अब चेंज नहीं होने वाला। ओके वैसे सच में तुझसे अच्छा टीचर हूँ मैं, तूने इतना मुझे बिजनेस सिखाया लेकिन मैं कुछ नहीं सीखा, मैंने तुझे अपनी हीरो बनती सिखा दिया। क्या पंच मारे तूने, क्या अपर कट था यार, आई लव्ड इट फैंटास्टिक। मैं तो फिर और क्या करूं, तेरे से कैसे सवाल पूछ रहे थे। हां ये बात मैं तेरे को सर पर चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सवाल तेरे ऊपर आता है ना जब तू तकलीफ में होता, जब तेरे को कोई कुछ बोलता मेरा दिमाग खराब हो जाता और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करता। फिर से तू झूठ बोल रहा मुझसे, तू अंदर इसीलिए आया ताकि तुझे पता है कि मैं बोर होने वाला हूँ, इस छोटे से कमरे में मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तू मेरा साथ देना है राइट, ताकि हम तुम्हें बैठ के अंताक्षरी खेल सकें, बिजनेस की बातें कर सकें राइट। मुझे ना सिर्फ एक ही बात की प्रॉब्लम है कि सिर्फ झूठे केस से ना तेरे करियर को कोई नुकसान नहीं,
अरे यार तू बेकार में इतनी चिंता कर रहा है यार, कुछ भी नहीं होगा, फंसाया गया मुझे, सब झूठा है यार, सब पूरा केस झूठा है यार, नथिंग विल हैपन, तू देखना ऐसे बाहर आ जाऊंगा। तू तो दो घंटे हवालात में बैठ के बाबा जैसी बातें करने लगे। मैंने भी पता नहीं क्या बेवकूफी करके यहाँ पे अरेस्ट हो गया, कम से कम बाहर रहता तेरे लिए कुछ कर सकता था। लेकिन एक बात तो है, तेरे यहाँ होने से मुझे तो हिम्मत मिल रही है, सीरियसली। वो तो मुझे ना एक डाउट जो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा, वो ये कि मीडिया को इतनी जल्दी पता कैसे चला कि तू यहाँ पर है, ये लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे? पहुंचे कैसे मतलब? इसका क्या मतलब हुआ यार? अरे मैं फेमस हूँ यार, मैं सुपरस्टार, मुंबई का हीरो हूँ मैं। मजाक करता है यार। तू सीरियस कब होगा? पता कब सीरियस होगा? जब तू ऐसी सिचुएशन में जोर जोर से हंसना शुरू कर देगा, तब मैं कहूंगा ना मुझे तुझसे भी सीखने को कुछ है, राइट? तुझे कॉमेडी सिचुएशन लग रहा है? नहीं सॉरी सॉरी। देख लेकिन किसी बंदे ने कहा था कि हंसने से सेहत बनती है, गलत कहा था क्या? ये सब छोड़, तू ये बता ये जो लॉयर है कुछ कर पाएगा? लेकर तो इसको इसलिए आया था ताकि कुछ करे, लेकिन इसको देखकर लग नहीं रहा है अपनी भी जमानत दे पाएगा।